भय को भगाने के लिए मन से करे भगवान का स्मरण, कर्म ही पूजा है, इसलिए मानव का कर्म सत्कर्म से जुड़ा होना चाहिए। इसी तरह भय को भगाने के लिए जरूरी है कि आप मन से भगवान का स्मरण करें। आचार्य पंडित पवन झा से वरीय पत्रकार अरुण कुमार शाही ने बात की। आचार्य ने कई ऐसी बातें बताई जो मानव के लिए उपयोगी हैं। मैं अभी आचार्य पंडित पवन झा जी से मानव जीवन को भय मुक्त कैसे करें इस संबंध में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। रामम रामानुजं सीतां भरतम भरताग्रजम सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। कर्म ही पूजा है, कर्म हमारे राष्ट्र देश समाज घर परिवार सबको महान बनाता है। आदमी का कर्म जो मानव जीवन है, मानव जीवन का कर्म सत्कर्म से जुड़ा रहना चाहिए। अगर सभी जोनी से गुजरने के बाद अंत में मनुष्य जोनी मिलता है और मनुष्य जोनी से ऊपर अब भगवान का ही स्थान है, भगवान से ही मिलना होता है आदमी को। इतना पार करने के बाद जब मानव जोनी में जब आ जाता है, जब मानव जोनी मिलता है, तो वहां पर सत्कर्म की श्रेष्ठता होती है, प्रधानता होती है, श्रेष्ठ की प्रधानता होती है। और तो कर्म द्वारा आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो कर्म सत्कर्म से जुड़ा रहना चाहिए। सत्कर्म भगवान की कृपा से ही मिलती है। मानव जीवन जो ही मिला तो ही हम भगवान से जोड़ दे। भगवान ओरिजिनल पिता, सबके जीवन के ओरिजिनल पिता परमात्मा ही है। परमात्मा से जीवन जोड़ देने से कर्म अपने आप सत्कर्म से जुट जाता है। भागवत कथा के प्रारंभ में जो ही महाराज परीक्षित ने प्रश्न प्रथम सर्वप्रथम प्रश्न किया कि पुरुषस्य यत्कार्यं म्रिये मानस्य सर्वदा, पुरुष को जीवन में क्या करना चाहिए, उस संदर्भ में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बहुत सुंदर चीज बतलाया। उन्होंने कहा, अरे परीक्षित देखो, मानव के जीवन में सबसे बड़ा प्रबल शत्रु भय है। भय को भगाना चाहिए। तो भय कब भागे? जब मानव जीवन में भाव जागे। भाव जागे तो भय भागे। भाव कब जागे? तो इसके लिए उन्होंने तीन सूत्र बतलाया जो भागवत कथा राम कथा का सार है। उन्होंने बतलाया कि श्रवण कीर्तन और स्मरण, भगवान की कथा का श्रवण करें, भगवान का नाम का स्मरण करते रहे, चलते फिरते सोते जागते कभी भी, और स्मरण करते रहे भगवान का, जो इष्ट देव है उनका नाम स्मरण करता रहे जीवन में, तो उसको जीवन से भाव, उसके जीवन में भाव जग जाता है। अब भाव जग जाता है तब हमेशा हमेशा के लिए भय भाग जाता है। सुखदेव जी कह रहे हैं, तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च असमर्तव्यश्च क्षता भयम्। श्रवण कीर्तन स्मरण, तीन चीज अगर मानव जीवन अपनावे जीवन में, तो हमेशा हमेशा के लिए भय से मुक्त हो जाता है, विचार उत्तम बन जाता है, समाज में भी उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, और राष्ट्र सेवा भी में लग जाता है, राष्ट्र सेवा देश सेवा सब में संलग्न हो जाता है, वह बहुत बड़ा सामाजिक बन जाता है, उसको महापुरुष की संज्ञा दी जाती है। जो इससे परे बन जाता है उसको फिर 84 के जोनी से फिर गुजरना पड़ता है। इसलिए आदमी को सद विचार सद विवेक ये जीवन में लाना बहुत ही जरूरी है। कर्म सत्कर्म हो, कभी भी बुरा कर्म न करे जीवन में, सत्कर्म से जोड़ दे। कोई भी काम अपना दैनिक जीवन के भी कोई काम करे, व्यापार हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, कहीं भी हो, तो उस काम माने सत्कर्म से कुछ जुड़ कर जो अपना इष्ट देव है भगवान का नाम स्मरण करते हुए जीवन में हर चीज भगवान पर कर्म फल समर्पण करके अगर करे तो उसका जीवन भगवान से जुड़ जाता है। कर्म महान है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही मानव जीवन की शक्ति है। चलिए पंडित जी प्रणाम, बहुत ही अच्छा आपने ज्ञान दिया।